आज का हमारा टॉपिक है वुड्रो विल्सन्स विजन ऑन पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन। एज वी नो, वुड्रो विल्सन इज द फादर ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन। यूएसए के रहने वाले थे। वो यूएसए के 28th प्रेसिडेंट भी रह चुके हैं। फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के दौरान पीस एफर्ट के लिए उनको नोबेल पीस प्राइज भी मिल चुका है 1919 के अंदर। फादर ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन इसीलिए कहा जाता है उनको क्योंकि 1887 के अंदर उन्होंने एक ऐसे लिखा था द स्टडी ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन। वहीं से शुरुआत मानी जाती है पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन की। हिज एसे द स्टडी ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन पब्लिशेस इन पॉलिटिकल साइंस क्वार्टरली इन 1887। पॉलिटिकल साइंस नाम की एक मैगजीन के अंदर उनका ऐसे पब्लिश होता है। 19th सेंचुरी के अंदर यूएसए में काफ़ी कुछ चेंजेस आ रहे होते हैं, जैसे अर्बनाइजेशन बढ़ रहा होता है, इमिग्रेशन की शुरुआत होती है, द सीमिंग लॉस ऑफ ट्रेडिशनल वैल्यूज, करप्शन, ये सब कुछ बढ़ जाता है। ये जो माल एडमिनिस्ट्रेशन होता है वो वुड्रो विल्सन को लगता है कि करप्शन की वजह से है। और ये करप्शन किस वजह से है एडमिनिस्ट्रेशन के अंदर? स्पॉयल सिस्टम की वजह से। स्पॉयल सिस्टम क्या है? जो पार्टी पावर में होती है वो पार्टी अपने ही फेवरेट पर्सन्स को एडमिनिस्ट्रेशन में अपॉइंट करती है, उसको स्पॉयल सिस्टम कहा जाता है। दिस सिस्टम वॉज इंट्रोड्यूस्ड बाय प्रेसिडेंट एंड्रू जैक्सन। वुड्रो विल्सन का मानना था कि करप्शन को दूर करने के लिए हमें सरकार में कुछ बदलाव लाने की ज़रूरत है, और ये बदलाव किस फील्ड में आना चाहिए? पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन के अंदर आना चाहिए। गवर्नमेंट को उन्होंने दो हिस्सों में बांटा, एक तो था पॉलिटिक्स और दूसरा था एडमिनिस्ट्रेशन। तो उनके हिसाब से गवर्नमेंट में चेंज लाने के लिए एडमिनिस्ट्रेशन के अंदर बदलाव लाना ज़रूरी है। विल्सन एम्फेसाइज्ड इन हिज एसे द डेवलपमेंट ऑफ साइंस ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन एज द एप्रोप्रिएट क्योर फॉर करप्ट एंड इनएफिशिएंट एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम। पूरे के पूरे एडमिनिस्ट्रेशन को बदलने के लिए उनको साइंस ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन को डेवलप करने की जरूरत महसूस हुई। तो एडमिनिस्ट्रेटिव साइंस के ऊपर उनके क्या व्यूज थे? फर्स्ट, एडमिनिस्ट्रेशन इज अ साइंस, मतलब ये एक विज्ञान है, एक साइंस है। ये प्रिंसिपल्स, जो अप्रूव्ड और वैलिड प्रिंसिपल्स होते हैं, उन्हीं पे बेस्ड होता है। उनका ये मानना था कि स्टार्टिंग में एडमिनिस्ट्रेशन जो है, एडमिनिस्ट्रेटिव साइंस, वो यूरोप में डेवलप हुई थी, तो ये यूरोप के इंटरेस्ट को ज़्यादा सूट करती है। अमेरिकन एडमिनिस्ट्रेशन डिप्राइव्ड ऑफ साइंटिफिक मेथड। यूरोप में डेवलप होने की वजह से अमेरिका में कुछ खास इस पर रिसर्च हुई नहीं है। तीसरा, उनका ये मानना था कि इट इज़ डिफिकल्ट टू ऑर्गेनाइज एडमिनिस्ट्रेशन इन डेमोक्रेसी देन मोनार्की। मोनार्की में क्या होता है कि एक ही अथॉरिटी होती है, सुपीरियर अथॉरिटी, लेकिन डेमोक्रेसी में क्या है, बेसिकली लोगों का राज चलता है, तो वहाँ पर काफ़ी मुश्किल हो जाता है एडमिनिस्ट्रेशन को हैंडल करना, एडमिनिस्ट्रेशन को ऑर्गेनाइज करना। एडमिनिस्ट्रेशन हैज़ टू बी रिस्पॉन्सिबल टू पब्लिक ओपिनियन। लोगों के विचारों के लिए रिस्पॉन्सिबल होना ज़रूरी है एडमिनिस्ट्रेशन का। फिफ्थ पॉइंट ये था कि अनलेस अ नेशन स्टॉप टिंकरिंग विद कॉन्स्टिट्यूशन इट इज़ डिफिकल्ट टू कंसंट्रेट ऑन एडमिनिस्ट्रेशन। जब तक एक नेशन, एक स्टेट सिर्फ और सिर्फ कॉन्स्टिट्यूशन के साथ काम करता रहेगा, कॉन्स्टिट्यूशन में कुछ बदलाव लाता रहेगा हर बार, तो एडमिनिस्ट्रेशन के ऊपर कॉन्सेंट्रेट करना मुश्किल हो जाएगा, क्योंकि कॉन्स्टिट्यूशन तो आपको वैसे भी कुछ टाइम के बाद बदलना ज़रूरी होता है। इसलिए परफेक्ट कॉन्स्टिट्यूशन बनाने की चाहत में कई बार हम एडमिनिस्ट्रेशन के ऊपर भी ध्यान नहीं दे पाते हैं। तो एक लाइन है उनकी जो हम यहाँ पे कोट कर रहे हैं कि इट इज़ मोर डिफिकल्ट टू रन अ कॉन्स्टिट्यूशन देन टू फ्रेम वन। कॉन्स्टिट्यूशन को लागू करना बहुत मुश्किल है, उसको बनाने से भी ज़्यादा मुश्किल है। तो पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन बेसिकली उनके लिए क्या, डिटेल्ड एंड सिस्टमेटिक एग्जीक्यूशन ऑफ पब्लिक लॉ। जो कानून है, जो पब्लिक लॉ है, उन्हीं का एग्जीक्यूशन डिटेल्ड और सिस्टमेटिक वे में उनका एग्जीक्यूशन ही क्या है, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन है। फिर बात आती है पॉलिटिक्स एंड एडमिनिस्ट्रेशन की। वुड्रो विल्सन जाने जाते हैं अपनी थ्योरी पॉलिटिक्स एंड एडमिनिस्ट्रेशन डाइकोटोमी के लिए। ही प्रेफर्ड पॉलिटिक्स एंड एडमिनिस्ट्रेशन डाइकोटोमी बिकॉज ही बिलीव कि पॉलिटिक्स और एडमिनिस्ट्रेशन एक साथ या एक नहीं हो सकते हैं, लेकिन उनके व्यूज इस चीज़ के ऊपर काफ़ी क्लियर नहीं है। दिस इज क्लियर समटाइम्स ही एक्सप्लेन द इंटरडिपेंडेंस एंड इंटीमेट रिलेशनशिप बिटवीन पॉलिटिक्स एंड एडमिनिस्ट्रेशन। फॉर एग्जाम्पल, एट वन पॉइंट ही सेज एडमिनिस्ट्रेशन कैन नॉट बी डाइवर्स फ्रॉम इट्स कनेक्शन विद अदर ब्रांचेज ऑफ पब्लिक लॉ विदाउट बीइंग distorted and robbed of its true significance। मतलब इसकी ओरिजिनल आइडेंटिटी को ख़त्म किए बगैर आप इसको दूसरे पब्लिक लॉ की जो अदर ब्रांचेज हैं उनसे आप अलग कर ही नहीं सकते। वहीं दूसरी जगह पर ये कहते हैं कि एडमिनिस्ट्रेशन और पॉलिटिक्स अलग अलग हैं, सेपरेट हैं। एडमिनिस्ट्रेशन पॉलिटिक्स के स्फेयर से अलग है। एडमिनिस्ट्रेटिव क्वेश्चंस आर नॉट पॉलिटिकल क्वेश्चंस। ही ट्राइड टू एस्टैब्लिश अ डिस्टिंक्शन बिटवीन एडमिनिस्ट्रेशन एंड पॉलिटिक्स। तो काफ़ी ये फील होता है कि पॉलिटिक्स एंड एडमिनिस्ट्रेशन इंटरडिपेंडेंट है या फिर सेपरेट है। इस चीज़ के ऊपर विल्सन के व्यूज़ थोड़े अलग है। जैसे यहाँ पर एक थिंकर है मोशर, उनका मानना है कि विल्सन मेड द मोस्ट विग्रस स्टेटमेंट ऑन पॉलिटिक्स एडमिनिस्ट्रेशन डाइकोटोमी, की उनके सबसे वेग स्टेटमेंट थी, सबसे विग्रस स्टेटमेंट थी। रिग्स का मानना है कि फॉर विल्सन नॉट ओनली पॉलिटिक्स एंड एडमिनिस्ट्रेशन आर क्लोजली इंटरटवाइंड बट एडमिनिस्ट्रेशन एक्शंस आर स्कार्सली कंसीवेबल एक्सेप्ट एज इम्प्लीमेंटेशन ऑफ जनरल पॉलिसी। कंक्लूजन में हम ये कह सकते हैं कि विल्सन अटेम्प्टेड टू आउटलाइन ए कोहेरेंट आइडिया अबाउट पॉलिटिक्स एंड पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, मतलब उन्होंने जनरली बताने की कोशिश की पॉलिटिक्स और पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन के बारे में, एंड हाउ इट शुड बी सेपरेट एंड वर्क टुगेदर, मतलब अलग होते हुए भी वो कैसे एक साथ काम करते हैं। His idea was to improve efficiency of government operations by developing an administrative system free from political interference. उसका मेन मोटिव क्या था कि गवर्नमेंट में एक ऐसा एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम डेवलप करना है उनको जो कि पॉलिटिकल इंटरफेरेंस से पॉलिटिक्स उसमें इंटरफेयर ना कर सके, मतलब साथ रहते हुए भी एक दूसरे के उसमें स्फेयर में इंटरफेयर ना करें। एडमिनिस्ट्रेशन और बिजनेस की अगर हम बात करें, विल्सन ने एक जगह उनकी लाइन है तो फील्ड ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन इज अ फील्ड ऑफ बिजनेस एंड इज रिमूव फ्रॉम हरी एंड स्ट्राइफ ऑफ पॉलिटिक्स, मतलब बिजनेस ही है एडमिनिस्ट्रेशन, एडमिनिस्ट्रेशन का काम बिजनेस ही है। पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन इज पार्ट ऑफ पॉलिटिकल लाइफ ओनली इज द मैथड ऑफ काउंटिंग हाउस आर अ पार्ट ऑफ लाइफ एंड सोसाइटी ओनली इज मशीनरी इज पार्ट ऑफ मैन्युफैक्चर्ड प्रोडक्ट, सॉरी फॉर द स्पेलिंग मिस्टेक, ऑफ सोसाइटी। उनका मानना था कि पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन पॉलिटिकल लाइफ का इतना ही हिस्सा है जितना कि हमारे समाज में घरों को गिनना या फिर मशीनरी हिस्सा होता है प्रोडक्ट बनने के बाद। तो एक थिंकर का मानना है कि बेसिक प्रीमाइस ऑफ विल्सन आर्ग्यूमेंट वाज दैट अफेयर ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन वर सिनोनिमस विद प्राइवेट एडमिनिस्ट्रेशन। देखिए प्राइवेट एडमिनिस्ट्रेशन क्या है, उनका प्रॉफिट मोटिव होता है, उनको मैक्सिमम प्रॉफिट कमाना होता है। पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन का मेन मोटिव होता है वेलफेयर, अपने लोगों को सर्व करना। तो पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन प्राइवेट एडमिनिस्ट्रेशन नहीं हो सकता, लेकिन इस आर्ग्यूमेंट से विल्सन के इस आर्ग्यूमेंट से ऐसा लगता है कि पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन ही प्राइवेट एडमिनिस्ट्रेशन है, दोनों एक दूसरे के पर्यायवाची हैं, सिनोनिमस हैं। बात आती है पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन एंड पब्लिक ओपिनियन। एक जगह स्टार्टिंग की फर्स्ट स्लाइड में हमने देखा था कि विल्सन ने ये कहा था कि एडमिनिस्ट्रेशन शुड बी रिस्पॉन्सिबल टू पब्लिक ओपिनियन, लेकिन सवाल ये आता है कि पब्लिक ओपिनियन का कौन सा हिस्सा है जो उनको ध्यान में रखना चाहिए। विल्सन के अकॉर्डिंग पब्लिक ओपिनियन टेक्स द प्लेस ऑफ एन अथॉरिटेटिव क्रिटिक। अथॉरिटेटिव क्रिटिक मतलब एक ऐसा क्रिटिक जिसको अथॉरिटी के द्वारा अपॉइंट किया गया है, जो जिसके पास अथॉरिटी है। किस डेमोक्रेसी के अंदर आप उनको चेंज कर सकते हो, आपके जो लीडर हैं, जो आपके पॉलिटिशियंस हैं, यू कैन चेंज देम। तो विल्सन के अकॉर्डिंग पब्लिक ओपिनियन टेक द प्लेस ऑफ एन अथॉरिटेटिव क्रिटिक बट द प्रॉब्लम इज टू मेक पब्लिक ओपिनियन एफिशिएंट विदाउट सफरिंग इट टू बी मेडलसम, मतलब हर चीज में टांग अड़ाने वाला नहीं बल्कि एफिशिएंट होना चाहिए पब्लिक ओपिनियन, ताकि एडमिनिस्ट्रेशन बेहतर तरीके से काम कर सके। बात आती है सिविल सर्विस की। देखिए विल्सन का ध्यान एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ गया ही इस बात पे था कि वहां के जो सिविल सर्वेंट है वो स्पॉइल सिस्टम के द्वारा अपॉइंट होते हैं, न कि मेरिट बेस पे। विल्सन एडवोकेटेड सिविल सर्विस बेस्ड ऑन मेरिट, मतलब जैसे हमारे एग्जाम होते हैं तो उस एग्जाम के बेस्ड पे सिविल सर्वेंट को चूज किया जाता है, सेलेक्ट किया जाता है, एंड इट इज नेसेसरी टू ऑर्गेनाइज डेमोक्रेसी। ही अपोज्ड क्रिएशन ऑफ ब्यूरोक्रेटिक एलिट नॉट सब्जेक्ट टू डेमोक्रेटिक कंट्रोल। अब जो जिनके कोई नॉन पॉलिटिक्स में हैं, जो लीडर्स हैं, स्पॉइल सिस्टम अगर होता, स्पॉइल सिस्टम में अगर आपका कोई नॉन है, इजीली आपको जॉब मिल जाती है, इजीली आप उनके फेवरेट हो तो आपको एडमिनिस्ट्रेशन में काम मिल जाता है, एडमिनिस्ट्रेशन में आप अपॉइंट कर दिया जाता है। मेरिट बेस में क्या है कि चाहे नॉन हो या ना हो, अगर आपके पास काबिलियत है तभी आप अपॉइंट होते हैं। तो वो क्या है कि ब्यूरोक्रेटिक एलिट क्रिएट नहीं होता, हमेशा वो डेमोक्रेटिक कंट्रोल के अंडर रहता है। यूएसए में क्या था, अर्लियर देयर वाज अ स्पॉइल सिस्टम। स्पॉइल सिस्टम का मतलब टू गिव गवर्नमेंट सिविल सर्विस जॉब टू लॉयल मेंबर ऑफ पार्टी इन पावर। Wilson felt that study of administration was a possible method for correcting the political abuse of spoil system. कि जब आप अपॉइंटमेंट ही गलत तरीके से हो रही है, अपॉइंटमेंट का तरीका ही गलत है, तो एडमिनिस्ट्रेशन कैसे ठीक होगा। तो उनको लगा कि एडमिनिस्ट्रेशन की इसके बारे में स्टडी करना, रिसर्च करना ही इसको स्पॉइल सिस्टम के गलत तरीकों को हम खत्म कर सकते हैं। As Nicholas Henry observed, Wilson facilitated the expansion of an ethical sense of public duty beyond the conceptual confines of civil service and into the entire intellectual terrain of public administration. उनका ये मानना था कि निकोलस हेनरी ने ये ऑब्जर्व किया है कि विल्सन के अकॉर्डिंग या विल्सन ने न सिर्फ सिविल सर्विस को एक नए नजरिए से देखा बल्कि उसके अंदर एथिक्स का भी यूज किया है उन्होंने। अब बात करते हैं कंपैरेटिव मेथड। कंपैरेटिव मेथड में क्या है कि वुड्रो विल्सन ने कहा था कि हमें एडमिनिस्ट्रेटिव साइंस को डेवलप करना है और एडमिनिस्ट्रेटिव साइंस को डेवलप करने के लिए आपको अदर सिस्टम्स की स्टडी करना जरूरी है। अब आप अदर सिस्टम की स्टडी करते हो तो आपके पास कुछ तरीके होते हैं, जैसे फिलोसॉफिकल मेथड है, हिस्टोरिकल मेथड है, कंपैरेटिव मेथड है। आप कौन से मेथड से स्टडी करते हो? ही रिजेक्टेड फिलोसॉफिकल मेथड टू स्टडी एडमिनिस्ट्रेशन। ही एम्फेसाइज्ड, उसने जोर किस पे दिया? हिस्टोरिकल कंपैरेटिव मेथड पे। कंपैरिजन क्यों, कंपैरेटिव मेथड क्यों? क्योंकि किसी भी सिस्टम के अंदर क्या कमी है, क्या उसमें गुण है, ये आप तब तक नहीं जान सकते जब तक आपने उसको किसी से कंपेयर ना किया हो। जब बात कंपैरिजन की आती है, जब बात दूसरे नेशन से या दूसरे सिस्टम को स्टडी करने की आती है, तो यहाँ पर ये डर है कि कहीं हम दूसरे देशों के या एडमिनिस्ट्रेटिव टेक्नोलॉजी को हम इंपोर्ट ना कर लें। इस डर को दूर करने के लिए उनकी एक लाइन है जो मैं यहाँ पे कोट कर रही हूँ, दैट इफ आई सी ए murderous fellow sharpening the knife cleverly, I can borrow his way of sharpening knife without borrowing his probable intention to commit murder with it। कि अगर मैं किसी क्रिमिनल को चाकू तेज करते हुए देखता हूँ तो मैं ये नहीं देखूंगा कि वो उस चाकू से क्या करने जा रहा है, मैं सिर्फ उसको चाकू तेज करने की जो उसकी गुण है उसके अंदर सिर्फ वही लूंगा, मैं उसका जो इंटेंशन है मर्डर करने का वो मैं नहीं लूंगा। देयर आर डाइवर्जेंट इंटरप्रिटेशन ऑफ विल्सन्स थिंकिंग ऑन द एक्सपोर्ट ऑफ एडमिनिस्ट्रेटिव टेक्नोलॉजी फ्रॉम वन कंट्री टू अनदर। मतलब यहाँ पर ये जो एडमिनिस्ट्रेटिव टेक्नोलॉजी के ट्रांसफर की बात आती है, यहाँ पर काफी सारे अलग अलग थिंकर्स का अलग अलग व्यू है। जिसे रिग्स कहते हैं कि विल्सन गिव हिज हाईएस्ट लॉयल्टी टू डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट, कि उन्होंने अपनी जो सबसे ज्यादा लॉयल्टी दिखाई है वो किसके लिए? डेमोक्रेसी के लिए दिखाई है। एंड ही वुड नेवर हैव अप्रूव्ड एक्सपोर्ट ऑफ एडमिनिस्ट्रेटिव टेक्नोलॉजी टू नॉन डेमोक्रेटिक कंट्री। मतलब जो अभी हम स्टार्टिंग में बात कर रहे थे कि डेमोक्रेसी और मोनार्की में फर्क होता है, ऐसे ही एक डेमोक्रेटिक और नॉन डेमोक्रेटिक कंट्री के अंदर भी फर्क होता है, वहां पर सेम एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम को आप लागू नहीं कर सकते। तो रिग्स का भी यही कहना था कि वुड्रो विल्सन कभी भी इस चीज को अप्रूव नहीं करेंगे कि आप एडमिनिस्ट्रेटिव टेक्नोलॉजी को एक्सपोर्ट करें टू नॉन डेमोक्रेटिक कंट्री। यहीं पर हेडी, फेरल हेडी का ये मानना था कि विल्सन्स ऐसे सीम टू अज्यूम दैट देयर इज नो रिस्ट्रिक्शन ऑन द अवेलेबिलिटी ऑफ एडमिनिस्ट्रेटिव टेक्नोलॉजी फॉर एक्सपोर्ट। यहाँ पर अकॉर्डिंग टू हेडी, विल्सन का ऐसे ये मान के चलता है कि एडमिनिस्ट्रेटिव टेक्नोलॉजी पे कोई पाबंदी नहीं है एक्सपोर्ट इंपोर्ट करने पे, एंड हिज अटेंशन इज गिवन एक्सक्लूसिवली टू द क्वेश्चन ऑफ सर्कमस्टांसेस अंडर विच इट शुड बी इम्पोर्टेड। मतलब क्या हालत है, क्या सर्कमस्टांसेस है, क्या सिचुएशन है, सिर्फ वही ध्यान में रखी है विल्सन ने। ये ध्यान में नहीं रखा कि क्या हम उसको, उनके अनुसार यहाँ पर कोई रिस्ट्रिक्शन ही नहीं, कोई पाबंदी नहीं है कि हमें कौन सी एडमिनिस्ट्रेटिव टेक्नोलॉजी को इम्पोर्ट करना है और किसको नहीं। फिर ये तो हुई उनके बात उस ऐसे की जो उन्होंने पब्लिश किया था 1887 के अंदर, जहाँ से पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन की शुरुआत मानी जाती है। 1912 के अंदर उन्होंने एक नई बुक लिखी थी, The government, new meaning। He published an article, the new meaning of government in 1912। यहाँ पर उन्होंने किस चीज के ऊपर फोकस किया था? इम्प्लीमेंटेशन एस्पेक्ट पे फोकस किया था। स्टार्टिंग में उन्होंने कंसर्न ऑफ गवर्न की बात की थी कि जिनको गवर्न किया जा रहा है उनका कंसेंट आपको ध्यान में रखना है। बट लेटर इन दिस न्यू आर्टिकल ही एक्सटेंड द कंसेंट टू पार्टिसिपेशन इन गवर्नमेंट ऑफ ऑल क्लासेस एंड इंटरेस्ट। मतलब सिर्फ कंसेंट नहीं होना चाहिए, सिर्फ उनकी मर्जी ही नहीं होनी चाहिए, उन लोगों का पार्टिसिपेशन भी गवर्नमेंट में होना चाहिए। अगर हम इसको कंक्लूड करते हैं तो क्या आएगा? हमने इनका पूरा जो एसे पढ़ा उसका अगर हम निचोड़ निकालें, पूरा कंक्लूड करें उसको, तो द पब्लिकेशन ऑफ विल्सन्स एसे मार्क्स द बर्थ ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन एज ए रिकॉग्नाइज्ड फील्ड ऑफ स्टडी। विल्सन का ऐसे जो है वो पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन को एक रिकॉग्नाइज्ड फील्ड मतलब की शुरुआत माना जाता है। डॉक्ट्रिन आफ्टर डॉक्ट्रिन व्हिच पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन हैज एक्सेप्टेड एज वैलिड वाज फर्स्ट क्लियरली मेंशन्ड बाय विल्सन। Wilson observed that object of administrative studies to discover what government can properly and successfully do in the very opening paragraph of the essay। मतलब स्टार्टिंग में हमने पढ़ा था कि एडमिनिस्ट्रेटिव स्टडी का फायदा क्या होगा कि पॉलिटिकल करप्शन को दूर कर सकेंगे, एडमिनिस्ट्रेशन को और भी ज्यादा एफिशिएंट बना सकते हैं। बट द स्टडी ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन एज विल्सन हिमसेल्फ ऑब्जर्व्ड, ये जो उनका एसे था विल्सन ने खुद भी ये महसूस किया था कि ये too broad, too general and too vague. बहुत ज़्यादा broad है, general है और बहुत vague है. Wilson was ambivalent on many issues and he raised more questions than providing answer. ये उनका criticism मान लो या फिर कुछ भी कह लो कि Wilson ने काफी सारे issues पे उन्होंने जो जवाब दिए हैं वो ambivalent है, मतलब ना तो negative है ना ही positive है. और कई बार क्या हो रहा है कि उन्होंने आंसर देने से ज़्यादा क्वेश्चंस खड़े किए हैं. बट दिस लिमिटेशन डू नॉट अंडरमाइन सिग्निफिकेंस ऑफ विल्सन कंट्रीब्यूशन, क्योंकि एक बहुत ही सिग्निफिकेंट फीचर विल्सन के कंट्रीब्यूशन का ये है कि उन्होंने ऐसे तब लिखा था जब उनको कोई भी पर्सनल एक्सपीरियंस नहीं था एडमिनिस्ट्रेशन का, और जस्ट उन्होंने शुरुआत में ये इतना कुछ लिखा है तो हम ये कह सकते हैं कि जस्ट अ लिमिटेशन दैट कि उन्होंने बहुत सारे क्वेश्चंस रेज किए हैं, आंसर प्रोवाइड नहीं किए, ये सारे लिमिटेशन उनके कंट्रीब्यूशन को अंडरमाइन नहीं कर सकती हैं. और ड्वाइट वोल्डो ने भी कहा है कि हिज एसे इज द मोस्ट इम्पोर्टेंट डॉक्यूमेंट इन द डेवलपमेंट ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, की पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन के डेवलपमेंट में उनका ये बहुत ही इम्पोर्टेंट डॉक्यूमेंट रहा है. सो थैंक यू, नेक्स्ट लेक्चर के साथ मिलते हैं. थैंक यू.